बच्चों, आज हम रिवीजन कर रहे हैं और उसके हमने आपको पहले ही बताया है कि हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। उसके प्रश्न उत्तर जो है आप कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपके टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विचार और विचारक के बारे में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, ये चैप्टर अपना कम्प्लीट हो चुका है, जिसमें कि विद्वता वर्णीय के बारे में भी आपको बताए थे। ये एक विदेशी यात्री थे जो कि अपने देश में आए थे और यहाँ की सारी जो चीज़ें उन्होंने देखा वह सब चीज़ें अपने लेख में लिखा है। सबसे पहले हम देखेंगे इब्न बतूता ने इन सब चीज़ों का जो वर्णन करते हुए निश्चय किया कि उन्हें अनूठे कारण जो प्रभावित था, मतलब वह एक अपने आप में एक अनूठे थे, जो कि वर्णिया जो है एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित थी। भारत में जो भी देखा उन्होंने सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थिति की तुलना करके भिन्नता को उजागर करते हुए यहाँ की बहुत प्रतिवर चिंतित थे कि बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी थी जहाँ पर कि वे उससे खुश नहीं थे। नीति निर्माताओं बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित करने था ताकि निर्णय ले सकें, और साथ ही साथ उन्हें वर्नियर ने ग्रंथ लिखा है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, अपने गृह प्रदर्शन आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन वह इसलिए लिखा क्योंकि उनके समय में ये कुछ दिन रुक कर उनके राज्य में रुके हुए थे। फिर वृत्तांत जो नई चर्चा मुगलों के इतिहास के बारे में, वैश्विक ढांचे के बारे में, ये सारी जानकारियाँ जो हैं ये जो विचारक हैं इन्होंने लिखा है, और बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने महसूस किया उनको ही उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अपने लेख में लिखा है। फिर वर्नियर वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्र के चित्र की चर्चा कीजिए। वर्नियर जो है मुगलकालीन शहरों के शिविर को नगर कहता था और साथ ही साथ वह राज के शिविर पर भी निर्भर था। इसमें राज के दरबार के लोग रहते रहे होंगे और जबकि युद्ध होने की स्थिति में वह पतन की ओर उन्मुख हुए होंगे। फिर वास्तव में सभी प्रकार के नगर यहाँ पर अस्तित्व में थे, जैसे कि यहाँ पर उत्पादन केंद्र थे, व्यापारिक नगर भी थे, बंदरगाह नगर भी थे, धार्मिक केंद्र भी थे और तीर्थ स्थान भी थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यापारिक समुदाय के जो मुखिया होता था उसे नगर सेठ भी कहा जाता था, और व्यावसायिक वर्ग चिकित्सक अध्यापक अधिवक्ता और चित्र जो वास्तु थे संगीतकार सुलेखा आदि भी सम्मिलित थे। फिर सती प्रथा के कौन कौन से तत्वों पर वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, मतलब यहाँ पर जब वो लोग आए थे कई जगह घूमा, कई जगह भी गए और कई जो सामाजिक स्थितियाँ थी उस पर उनका ध्यान हुआ, लेकिन वे सती प्रथा की ओर अधिक हुए क्योंकि यहाँ पर जो था भारत में सती प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, जिससे वे उनकी ओर आकर्षित हुए क्योंकि मध्यकाल में जो हिंदू समाज में व्याप्त प्रथा थी वह सर्वांगीण बहुत ही सर्वाधिक घृणित प्रथा थी। जैसे सती शब्द का अर्थ था पतिव्रता या चरित्र वाली स्त्री, किंतु ऐसा नहीं था क्योंकि पत्नी अपने मृत पति के शरीर के संचल जाने की प्रथा को ही लिया जाता था। और वर्नियर ने लिखा है कि महिला अपनी स्वेच्छा से भी खुशी खुशी अपने पति के सती हो जाती थी और कुछ जो होते उनको विवश कर दिया जाता था और कई को जबरदस्ती ही उन्हें बांध कर उनके शव के साथ उन्हें चलाया जाता था। इस तरह से लाहौर में उन्हें एक सुंदर अल्प वयस्क विधवा की आयु विचार विवाह उससे अधिक नहीं थी, उसकी बलि होते हुए उन्होंने देखा था, जिसकी बच्चों बच्ची की असहाय जीवित मृत प्रतीत हो रही थी, जिसके बारे में उन्हें उनकी रूह कांप गई थी। इस तरह से तीन चार ब्राह्मण एक बूढ़ी औरत को भी बांध कर उसको अपने अस्तियों के नीचे दबा कर उसको कर रहे थे। इस तरह से उन्हें लकड़ियों में बैठाया जाता था, हाथ पैर बांध दिए जाते थे ताकि वे भागे ना, और इस तरह से उन मासूम प्राणियों को जिंदा जला दिया जाता। इस तरह से इन भावनाओं को दबाने में असमर्थ था। फिर जाति व्यवस्था के अलबरूनी की व्याख्या, जिसमें कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत किताब उल हिंद और तहकीकात में भी जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है। ज़्यादातर तो ब्राह्मणों ने जो लिखा है ऋग्वेद में या फिर साहित्यों में जो मिलता है उससे उससे ही जाति व्यवस्था को माना गया है। ज़्यादातर इन्होंने जो वर्णन किया है वह ब्राह्मण साहित्य जो है उनसे लेकर ही इन्होंने किया है। जैसे ब्राह्मण को कंधों से हुआ है और उसका दर्जा जो है ब्राह्मण को ऊंचे स्थान दिया गया है। फिर वैसे हैं उनका जंघाओं से हुआ है, शूद्र का जो है चरणों से हुआ है। इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें जो है इतिहास या साहित्यकारों में देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था की तुलना में भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी सिर्फ यहाँ भारत में ही नहीं थी, विदेशों में ही इस तरह की व्यवस्थाएँ थी। फिर अपवित्रता को मान्यता को स्वीकार, अपवित्रता की मान्यता जो थी वह भी उस समय थी, उसको प्रत्येक वस्तु को अपवित्र हो जाती है मानते थे, लेकिन उसके बाद भी स्त्री पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती थी और उसे सफलता भी प्राप्त होती थी। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं सूर्य हवा को शुद्ध बनाता है और समुद्र के विद्यमान नमक पानी को गंदा होने से उसकी रक्षा करता है। इस तरह से इसी कारण पृथ्वी पर जीवन भी संभव है, और लोग प्राकृतिक नियमों के अनुकूल नहीं थी लेकिन फिर भी उसको अनुकूल रहना पड़ता है।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अल्पभूमि जाति व्यवस्था संबंधी विवरण जो है संस्कृत ग्रंथों से गहन अध्ययन से स्पष्ट होते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया, ये सारी चीज़ें जो जाति व्यवस्था है या छुआछूत अपवित्रता है, ये सारी चीज़ें जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखे गए हैं उससे ही लिया गया है। फिर क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरों में उनकी जीवन शैली जो है सही जानकारी प्राप्त करती है? इसका कारण इब्न बतूता जो है उपमहाद्वीप से उन लोगों के व्यापक अवसरों भरपूर पाया जो कि पास इच्छा साधन शक्ति कौशल है, तो वह अपने कार्य को आसानी से वे कर सकते हैं, शहरों में रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली सड़कें भी थी, चमक दमक रंगीन वाले बाजार भी थे और कई प्रकार की वस्तुओं से वे भरे हुए थे। दिल्ली को एक बड़ा शहर बताते हैं, लेकिन दौलताबाद जो है महाराज का वह भी कम नहीं था, क्योंकि वह भी दिल्ली को चुनौती देता था। इस तरह से कोई संदेह नहीं कि वृत्तांत जो है समकालीन शहरी जीवन शैली से सही जानकारी देने से हमारी सहायता करता है। वह इसलिए भी था कि उस समय वह पूरा भारतीय महाद्वीप के एक वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि चीन से लेकर उत्तर पश्चिम अफ्रीका यूरोप तक फैला हुआ था। इब्न बतूता जो स्वयं इन क्षेत्रों की यात्राएं करके विद्वानों और शासकों के साथ समय बिताया था, इस कारण जो जानकारियाँ उन्होंने दिया है मैं उनकी उस संस्कृति के नज़दीक पहुंच देखा समझा, इस कारण उनकी जो जानकारियां हैं वह भी तर्क संगत प्रतीत होती हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव करके ही लिखा उसने। इब्न बतूता ने लिखा जो साल के मध्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया की बड़ी मांग थी, और साथ ही साथ शिल्पकारों ने व्यापारी भारी मुनाफा भी होता था, और इसमें सूती कपड़े वस्त्र मसीह महीन मखमल रेशम जरी साटन आदि की मांग थी। इससे मखमल की महंगी किस्में भी इसमें मिलती थी। मलमल के कपड़े जो होते थे वो इतने बारीक होते थे कि उसे एक अंगूठे के अंदर से भी निकाला जा सकता था। फिर है, क्या आपको लगता है कि समकालीन शहर के जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है? यह इसलिए भी है कि जो है इब्न बतूता जो है उपमहाद्वीप शहरों उन लोगों से व्यापक अवसरों को भरपूर पाया जिसमें कि उनके साधन और कौशल हुआ करते थे। फिर है उनके वर्णिया के वृत्तांत की बीमा इतिहासकारों की समकालीन ग्रामीण समाज के पुनर्जीवित करने के सक्षम करता है। वर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं के एक साथ भारत में निजी भूस्वामित्व का भी अभाव था, और साथ ही साथ दूसरी ये सारी चीज़ें आपको हमने एक बार पहले भी समझा चुके हैं। ये सारे प्रश्न उत्तर आप लोग को नोट करना आवश्यक है, क्योंकि टेस्ट में ये आएंगी। कभी कभी हमको ये पता चलता है जैसे इब्न बतूता ने जो है वर्नियर ने वृत्तांत चर्चा की है, और साथ ही साथ जो हमारे समाज की समस्याएँ हैं ग्रामीण समाज की उसको पुनर्जीवित करने में सक्षम